सच्चिदानंद स्वरूपाय व्याप्ताय परमात्मने नित्यबोध स्वरूपाय कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब भागवत के महात्मा का चौथा अध्याय ले रहे हैं। यहां गोकर्ण का उपाख्यान का आरंभ होता है, यानी गोकर्ण की कथा शुरू होती है। ये कथा जो किसी उपदेश को समझाने का माध्यम बन जाए, इसकी परिभाषा है उपाख्यान की, क्या है वह कथा जो किसी उपदेश को समझाने का माध्यम बन जाए उसको उपाख्यान कहते हैं, उपधन आख्यान। आख्यान यानी उपदेश, उप यानी उपदेश को सरल बनाकर सामान्य जनमानस को समझाने योग्य बनाना। देखिए, भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति, क्योंकि वो लौकिक कामनाओं से रहित होती है, इसका प्रादुर्भाव होते ही, यानी इसका प्रारंभ होते ही, इसके प्रकट होते ही भगवान पधारते हैं, ये गुण रहस्य। भक्ति और भगवत्ता वैसे ही है जैसे किरण और सूर्य एक साथ प्रकट हो जाते हैं। भगवत्ता प्रकट हो जाती है इसलिए ज्ञानियों को भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। सुधी ना रहे सुनते सुनते सुन्न हो जाना, कथा श्रवण ऐसा हो जब देह गेह और अपने आप की सुधी ना रहे। कोई कितना भी दुरात्मा, दुराचारी, कुमार्गी, सत्य से च्युत, माता पिता का निंदक, तृष्णालु, अधर्मी, दंभी, ईर्षालु, परपीड़क, मदिरा पीने वाला, ब्रह्म हत्यारा, सोना चुराने वाला, गुरु की स्त्री से गमन करने वाला, और विश्वासघाती, महापापी, छल परायण, क्रूर, पैशाचिक, निर्दयी, ब्रह्म वेत्ताओं का धन लूटने वाला व्यवचारी क्यों न हो, इस सुख सरिता ब्रह्म विद्या से पावन हो जाता है। कितना महान है हमारा सनातन धर्म। ऐसे ही एक नराधम धुंधकारी की मुक्ति की कथा है गोकर्ण उपाख्यान। इस कथा के प्रत्येक अंग में उपदेश है, प्रत्येक अंश में उपदेश है। ढंग से सम्यक श्रवण करने से श्रोताओं के पाप नष्ट हो जाते। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, जहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। मुख्य बात है अपने अपने वर्ण धर्म का आचरण करते हुए। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में यही लिखा है कि स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। आपका जो धर्म है वर्ण का वो आप करें, दूसरे के ओर न देखें, और सत्य और सकर्म सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। तुंगभद्रा नदी है, समय और अनुपम नगर है। तुंगभद्रा नदी क्या है? समय है। और अनुपम नगर है शरीर यानी मानव का वर्ण। अंग और उसके धर्म है प्रत्येक इंद्रिय का कर्म धर्म आचरण के अनुसार सत्कर्म ही है। आत्मदेव ब्राह्मण है और आपके अंदर का ब्रह्म वेत्ता बनने को तैयार है, जिज्ञासु भाव है उसे, उसे साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी बताया है, क्योंकि एक सूर्य तो बाहरी संसार को प्रकाशित करता है और एक आंतरिक आत्मरूपी विवेक रूपी सूर्य आत्मिक प्रखर तेज का आंतरिक प्रकाशक है। धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था, जिज्ञासु धनी है, जीव ही ब्रह्म है। उपाधि नष्ट होते ही जीव ब्रह्म हो जाता है, परंतु जीव भाव के कारण दूसरों की ओर याचना के भाव से ताकता है। जीव को उसकी बुद्धि बहुत प्यारी है और बुद्धि सदैव हठी स्वभाव की होती है, अपने निर्णयों को ही सर्वोपरि मानती है। सुंदरी और कुलीन इसलिए कहा गया है कि यही बुद्धि जब सदगुरु की वाणी से शांत होती है तो सुंदर हो जाती है, सौंदर्य है, और विवेक रूपी प्रकाश का अवरोध नहीं बनती तो बुद्धि को
लोगों की बातें बकवास जो है उसमें बकवास में ही सुख है और क्रूरता उसका स्वभाव है। कहते हैं बुद्धि चमारी चूहरी, कबीर साहब ने कहा है। झगड़ालूपन बुद्धि का गुण है। संसार के कामों में कुशलता उसकी गृह कार्य में कुशलता है। इस प्रकार जीव और बुद्धि यानी आत्मदेव और धुंधली ये रहते थे। आहार विहार संसार धर्म में प्रवृत्त थे। आधा धन आधा जीवन बीत गया था। बुद्धि से परे मन और मन से परे चित्त और चित्त से परे अस्मिता जीव भाव। जीव की हमेशा यही दुर्दशा है, वो कुछ न कुछ उसको कमी खलती रहती है। ब्राह्मण के पुत्र न होना अर्थात ज्ञान रूपी पुत्र की तलाश में वन अर्थात शब्दारण्य रूपी जंगल किताबें मिता में पढ़ता था, जहां अनेकानेक सिद्धांत हैं, साधना है, उपासना पद्धति है, मत मतांतर का जाल जंजाल फैला हुआ है। ये सब व्यक्ति को थका देते हैं, सुखा देते हैं। झूठी शांति थकान में वो बैठ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि शांति मिल गई या कि वो थक गया। इतने में एक महात्मा जो तत्ववेत्ता सदगुरु भगवान थे, पूर्व में कहा है कि जो तत्ववेत्ता होते हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप ही होते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में झुकना ये महान लाभकारी है, करुणा की मूर्ति होते हैं। ब्राह्मण लंबी श्वास लेने लगा, यानी जीव की दुख की दशा का बोधक है। ब्राह्मण ने दुख का कारण पूछा, उस संत ने दुख का कारण पूछा। संत जीवों के दुख का कारण जानते हैं, फिर भी औपचारिकता निभाने से पूछ लेते हैं, औपचारिकता वश पूछ लेते हैं। अज्ञानी को जितना समझ होती है उसी के अनुसार बात करता है। पाप पुण्य के झगड़े में पड़ा, कर्म बंधन में जकड़ा और व्यर्थ की चिंताओं से घिरा, लोक लाज और लोक धर्म के कर्तव्यों में जकड़ा जीव अपनी दुर्दशा का वर्णन करता है और ज्ञान रूपी पुत्र के बिना उसके सारे प्रयास व्यर्थ और बेकार चले जाते हैं और मौत एक झपट्टा मारकर सारे जीवन का पुरुषार्थ छीन लेती है। पत्नी पुत्र कलत्र धन भवन ये एक क्षण में अपनी हीनता दीनता अभाव का उसको दर्शन हो जाता है मौत के क्षण में जीव को, परंतु अपनी पूर्णता आनंद स्वभाव आत्मा सच्चिदानंद का उसको कोई पता नहीं रहता। वे योगनिष्ठ ब्राह्मण थे जो उससे बात कर रहे थे, परमात्मा में निरंतर जीने वाले थे। जीव की दशा रेखाएं हैं, उसके जीवन का ताना वाना खाका सदगुरु जानते हैं। जीव सदैव पुत्र पौत्र धन भवन मांगता है, वो ज्ञान कभी भी नहीं मांगता। ऐसे ही ब्राह्मण ने उनसे पुत्र की मांग की। संन्यासी ने समझाया, भैया संतान क्यों मांग रहे हो? कर्म की प्रबल गति से परे होने के लिए विवेक का आश्रय लो, संसार की वासना छोड़ दो। जीव का प्रारब्ध इतना प्रबल था कि उसका 7 जन्मों तक कोई संतान योग नहीं था। संत समझते थे संतान मोह में ना पड़ो, आत्म कल्याण करो। उदाहरण के लिए राजा सगर और अंग आदि का उन्होंने उदाहरण दिया, समझाया। कुटुंब की आशा, माया के परिवार को कुटुंब कहते हैं, इस आशा छोड़कर संन्यास में सुख लो। या संन्यास शब्द को समझना होगा, सर्वनाशा ससन्यासा, समस्त वृत्तियों सहित मन बुद्धि चित्त अहंकार का नाश ही संन्यास है। परंतु हमारे समाज में संन्यास का आंतरिक अर्थ न जानकर वहां आडंबर को संन्यास जब से मान लिया गया, तब से साधु समाज की मूल गरिमा क्षीण हो गई। यही कारण है कि तुलसी कबीर दादू पलटू रविदास ने संन्यासी की व्याख्या में खंडन मंडन किया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज विवेक से मेरा क्या होगा? मूर्ख जीव ऐसा ही होता है, वो ज्ञानामृत की ज्ञानामृत की कदर नहीं करता। साधु संतों से सांसारिक पदार्थ ही मांगता है। संत भी माथा पकड़ लेते हैं, संसारी की मूर्ता देखो। इंद्रियों में जीने वाला जीव इंद्रियों के दुख रूपी सुख से ही परिचित है,
उस जो सुख मांग रहा है वो सुख नहीं है, वो दुख है। इंद्रियातीत आनंद का उसे कोई पता नहीं, उसका अनुभव नहीं, तो उसे भरोसा भी नहीं होता है कि परमात्मा के ज्ञानानंद को वह कोरी कल्पना मान लेता है। और यही जीव की दशा है, उसे अपनी मृत्यु के बाद और जन्म के पूर्व का कुछ भी अनुभव नहीं रहता। संत ने बहुत समझाया पर ब्राह्मण नहीं माना, तो उन्होंने ब्रह्म विद्या का गोपनीय फल उसे दिया और बुद्धि रूपी स्त्री की शुद्धता के उपाय सत्य, शौच, पवित्रता, दया, दान, एकांत भोजन के साथ फल का प्रभाव बढ़ेगा। बुद्धि के ये गुण ज्ञान के धारण के साथ स्वतः ही आ जाते हैं, लाने नहीं पड़ते हैं, परंतु बुद्धि अपने ढंग से सोचती है। ज्ञानी सदगुरु के प्रसाद रूपी फल उपदेश को ग्रहण नहीं करती, उसके अपने तर्क होते हैं। इसलिए जो धुंधली थी उसकी पत्नी, उसने अपने तर्क दिए और ज्ञान मार्ग से क्योंकि ज्ञान ही सर्वांग सौंदर्य दिव्यता और निर्मलता और स्वर्ग सा कांतिमान है। अज्ञानी तो मलिन है, ज्ञानी निर्मल है। उसका पालन पोषण सतवृत्ति उदित होकर होकर स्वयं करती है। सतवृत्ति आपको केवल सतगुरु का ज्ञानामृत फल उपदेश ग्रहण करना है, उस ज्ञानामृत को पचाना है, उसको मुराना है, आत्मसात करना है और सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। इसी को कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। आत्म धर्म की रक्षा से सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। ऐसे महापुरुष के दर्श मात्र से शांति मिलती है, अच्छा लगता है। इसलिए क्या हुआ कि वो जो धुंधली थी उसने जब तर्क दिए और उसने बचने के लिए फल नहीं खाया। आत्मदेव को ज्ञान चाहिए था तो जीव भाव से जो उद्धारक होता है ठीक पुत्र के समान, परंतु बुद्धि की मूर्ता तो देखो, बुद्धि को तो मूर्ता में ही आनंद आता है। इसलिए उसकी जो पत्नी धुंधली थी उसने वो फल नहीं खाया और बुद्धि जीव को मिथ्या भ्रम में डालती है। ऐसे झूठे आश्वासन जैसे धुंधली ने पति के पूछने पर वो झूठ बोल दिया, कह दिया कि मैंने फल खा लिया। और बुद्धि की बहन है दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, उसने सुझाव दिया कि आप देखना कि प्रत्येक के अंदर जो दुर्बुद्धि होती है वो नकारात्मक सुझाव देती है, उसके पेट में तमोगुण रूपी घोर दुर्गुणों से भरा अज्ञान का विकराल रूप जीव की घोर दुर्दशा का कारण प्रतीक पलता रहता है, जो मनुष्य के लिए साक्षात जीवंत नरक है। सो बुद्धि उसे सब प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती है क्योंकि वह उसके आंतरिक गुण स्वभाव से मेल खाता है। तो कथा यह कहती है कि धुंधली ने तो फल नहीं खाया और उसकी बहन जो थी दुर्बुद्धि उसने कह दिया तू चिंता मत कर, मेरा बच्चा होगा वो तुझे दे दूंगी। तो क्या हुआ कि वो फल उसने उठाकर और गाय को खिला दिया। यहां गौ है सीधा सच्चा जिज्ञासु। कोई जब आपकी बुद्धि ज्ञान को उपेक्षित करती है तो कोई एक जिज्ञासु उस फल को स्वीकार कर लेता है। अब उस ब्राह्मणी की जो बहन थी उसका पुत्र उसने ले लिया और पति को भ्रमित कर दिया कि मेरा बच्चा हुआ है और बहन को धाय मां बनाकर रख लिया, वो दूध पिलाती रही। इससे यह संदेश आता है कि धुंधली का दत्तक पुत्र धुंधकारी जिन वृत्तियों से उत्पन्न हुआ उन्हीं नीच वृत्तियों से पोषित हुआ, अर्थात उसी नीच उसकी जो माँ थी उसने उसको दूध पिलाया, सद्बुद्धि से पोषित नहीं हुआ। 3 महीने बीतने पर, 3 महीने इस बात का प्रतीक है कि सदगुरु के ज्ञान फल को ग्रहण करने पर यदि साक्षी का अभ्यास कोई करे तो साक्षी से ध्यान यानी निर्विकल्पता
भान यानी आत्मा का भान होना, जागरण यानी साक्षात्कार होना, ये तीन अवस्था 3 महीने में ही हो सकती है। और मनुष्य का बच्चा वही है ज्ञानी ही सच्चा मानव है, ज्ञानी ही सच्चा मनुष्य है। तो अब बात आती है कि ज्ञान ही सर्वांग सौंदर्य और दिव्यता और निर्मलता और स्वर्णसक और बहुत बढ़िया जिसको कहते हैं ज्ञानी ही दर्शनी है। तो क्या हुआ कि इधर तो उस धुंधली की जो बहन थी उसने बच्चा दिया, उसने रख लिया, उधर उस गौ माता जिसको उसने फल खिलाया था उसने गोकर्ण को जन्म दिया और उनके कान जो है गाय के समान लंबे लंबे थे। तो अब अज्ञानी मनुष्य और ज्ञानी के जीवन की तुलना का वर्णन आता है कि कुछ काल तक ज्ञान में जीने से गोकर्ण तो पंडित यानी ब्रह्मवेत्ता और ज्ञानी हो गए और तम स्वरूप धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। जहां प्रकाश नहीं होता है वहां अंधेरा तो हो गई होगा, क्योंकि वह अज्ञानी था इसलिए वहां ज्ञान होना तो संभव नहीं है। जहां अज्ञान नहीं तो वहां अज्ञान होगा और अज्ञान के फजीतों की बात क्या की जाए, जो कुछ कहो वो कम है। तो दुखों और दुर्दशा और कष्टों और दुष्टताओं, काम क्रोध मोह लोभ इसका कोई पार नहीं है, जितना आप जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए अज्ञानी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ खा सकता है, सब कुछ बोल सकता है, हिंसा चोरी दगा दुष्कर्म नशेड़ी वेश्यागामी, ऐसा था वो धुंधकारी अज्ञान का प्रतीक। ज्ञानी ऐसा कभी स्वप्न नहीं सोच सकता, अज्ञानी वो कर गुजरता है। अज्ञानी अपना धन संपत्ति जीवन शरीर घर संबंधी सब कुछ नष्ट करके जीता जागता प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है। दूसरों को छोड़ो, वह तो अपने आप का हत्यारा है। अज्ञानी के माता पिता पुत्र पत्नी रिश्तेदार साथी जितने भी आसपास के लोग होते हैं सभी दुख पाते हैं। इसलिए अज्ञानी जीता जागता नरक है। ऐसा था धुंधकारी, उसने अपने माता पिता को भयानक क्लेशकारी वातावरण में पटका और पिता को सब प्रकार से बर्बाद कर दिया। जब पिता के प्राण गले में आ गए, इनको कितना कष्ट हो गया। तो अज्ञान के कारण जीव को जो कष्ट मिलता है वो अवर्णनीय है। जब पीड़ा अपने चरम पर पहुंच गई तो आंतरिक ज्ञान के प्रतीक गोकर्ण अपने पिता को अपनी शीतल शांत और मृदु वाणी में समझाते हैं, संसार की असारता और दुख रूप मोह के बारे में बताते हैं। जैसे रामचरितमानस में कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुत्र धन और ऐश्वर्य में सुख कहाँ, सुख तो नाशवान में है ही नहीं, ऐसा करके गोकर्ण समझाते हैं। अज्ञान का मुख्य कारण, अज्ञान का मुख्य कारण शरीर को मैं और मेरा मानना यह है, और शरीर के संबंधियों को अपना मानना, क्षणभंगुर संसार को स्थाई समझना, राग करना द्वेष करना लौकिक कर्मों में फंसे रहना, ये 79 से 80 मतलब 69 से 80 श्लोक का वर्णन है। उपरोक्त कथन जिज्ञासु साधक के साक्षी होने की भूमिका है। क्या करना है, बस जगत में ऐसे रहो जैसे वन में रह रहे हो। शरीर के साक्षी, शरीर के शरीर से अलग, शरीर की क्रियाओं संबंधों आते जाते विचारों के वृत्तियों के मनोदशा भावदशा के साक्षी होना, अपने अंदर मौजूद भगवत सत्ता जो जीवन होकर रम रही है रमयंती इति रामा, उसका साक्षात्कार करने हेतु क्रम से साक्षी की सीढ़ी पार करना, यह गुप्त उपदेश था जो कथाकारों ने अपने अज्ञानी होने के कारण छिपा दिया, लुप्त कर दिया, क्योंकि बेचारे वो जान ही नहीं पाए। इस उपदेश से आत्मदेव ब्राह्मण ने आत्मविद्या प्राप्त कर ली और अपने अंदर मौजूद आत्मरूपी श्री कृष्ण भगवान को जान लिया और उसमें जिए और मुक्त हो गए। ये भागवत महात्म का 4वां अध्याय पूरा हुआ। गुरु महाराज की जय।